इस वीडियो में हम 3D क्यूब बनाना सीखेंगे। ये हमारे पास कॉरल ड्रॉ 11 ओपन है। सबसे पहले हमें ये हमारे पास एक टूल है, पॉलीगन टूल, जिसकी शॉर्टकट Y है। इस पर क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन पॉलीगॉन्स। ये हमें जो है 6 चाहिए, तो हम यहाँ से इसे 6 कर देंगे। पिक टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक टूल है, फ्री हैंड टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी मदद से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर में। यहाँ सेंटर में लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्री हैंड टूल पर दोबारा क्लिक करेंगे। इस कॉर्नर से यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे और उसके बाद अगेन इस लाइन को हम जोड़ देंगे इस पॉइंट से। ठीक है, तो बेसिकली एक क्यूब की शक्ल हमें बनानी है। पहले हम क्यूब का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम 3D क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, आप इसको यहाँ नीचे एडजस्ट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ शिफ्ट F2 की मदद से। आप इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट F2 करें, ये जूम हो जाएगा। उसके बाद इसको आप जो है एडजस्ट करें, इस लाइन को भी आप जो है ना एडजस्ट कर लें। ये एक क्यूब का स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो तैयार हो गया है। इसके बाद हमें करना क्या है, पॉलीगॉन टूल के बराबर में हमारे पास एक टूल है, ग्राफ पेपर टूल, जिसकी शॉर्टकट D है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी बार जो है वो ओपन हो जाएगी और ये आपसे कॉलम और रॉस का पूछेगा, तो हमें 3x3 का जो है ये ग्राफ बनाना है। तो हम इसे क्रिएट करेंगे और आप ध्यान रखिएगा कि इसे भी कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, जब कंट्रोल की दबा रहा हूँ तो ये एक्यूरेट जो है वो बराबर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो हमने इसे ऐसे क्रिएट कर लेना है। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट पे जूम करता हूँ। यहाँ हमें एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और ऐसे उसको ड्रैग करना है। ठीक है, पिक टूल सेलेक्ट करेंगे, ये क्रॉस से इसको पकड़ के अगेन यहाँ पर इसको जो है वो ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे तो इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। इस तरीके से हम सारे बॉक्सेस में हम जो है ये प्रोसीजर जो है वो रिपीट करेंगे। तो ये हमने बॉक्सेस जो है वो सारे क्रिएट कर लिए। उसके बाद हम इसमें जो है कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमने ग्राफ पेपर जो बनाया था उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। उसके बाद हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इसे ग्रुप कर देंगे। उसके बाद हमें थोड़ा जूम जो है वो कम करना है। यहाँ पर हम इसकी डुप्लीकेट्स निकाल लेंगे, हम इसको उठा के ऐसे रखेंगे और राइट क्लिक कर देंगे, इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। तो बेसिकली 2 डुप्लीकेट्स हमें और बनाने हैं मज़ीद। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे। इफ़ेक्ट के मेन्यू के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड परस्पेक्टिव, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ये जब प्लस में ये साइन चेंज हो जाएगा तो इसको कॉर्नर्स पे एडजस्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक 3D क्यूब जो है वो तैयार हो गया है।